सो गाइस कैसे हो। अब यार यहाँ पे आप देख सकते हो 10 दिन के बाद ये वाला प्रीमियम क्रेट खत्म होने वाला है, उसके बाद सेकंड प्रीमियम क्रेट आएगा एंड उसके बाद थर्ड प्रीमियम क्रेट आएगा, यानी कि 2.0 अपडेट में अभी भी दो प्रीमियम क्रेट आने बाकी है। अब गाइस सेकंड प्रीमियम क्रेट अब तक का बेस्ट प्रीमियम क्रेट रहने वाला है, जिसके सारे रिवॉर्ड मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यार फेरो वाला सेट आ रहा है एंड उसी के साथ M24 की खतरनाक स्कीन आने वाली है। एंड साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो 26 दिन के बाद अपन का नेक्स्ट क्लास सीक्रेट आने वाला है। अब गाइस एक ही आएगा एंड उसके भी रिवॉर्ड मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखा दूंगा, बट गाइस इस वाली वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं M4 ग्लेशियर के बारे में। अब गाइस कब आएगा उसके रिलेटेड एंड गाइस आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, ये चीज पहली आती है, ठीक है। सो ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि आएगा या फिर नहीं आएगा एंड आएगा तो कब आएगा। एंड उसी के साथ सबसे बड़ी कंफ्यूजन की क्लासिक क्रेट में एड होगा या फिर यूसी वाले क्रेट में एड होगा, सबसे बड़ी चीज यही बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज गाइज इमिलिया आने वाली है बहुत ही जल्द, फाइनली ऑफिशियली क्राफ्टोन ने रिप्लाई कर दिया है। अब गाइज रिलीज डेट इस वाली वीडियो में जानने को मिल जाएगी, साथ ही साथ कैरेक्टर वाउचर का एक लॉगिन इवेंट भी आने वाला है, जिसके लीक्स मैं आपको इस वाली वीडियो में दिखा दूंगा। एंड उसी के साथ गाइज फर्स्ट कमेंट पे 60 यूसी का गिव अपन कुछ दिनों के अंदर कर देंगे, जिसका अपडेट मैं आने वाली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज गाइज, जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि 10 RP का गिव अपन 2,00,000 सब्सक्राइबर पर जैसे ही पहुंचते हैं रखने वाले हैं, तो गाइज फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। मतलब एक एक बंदे को 325 यूसी सेंड की जाएगी, जिससे वो अपनी आरपी को परचेस कर पाए, ठीक है। अब गाइस कुल मिला के 10 RP का घीवे रहने वाला है एंड गाइस कल के दिन ही मैं घीवे निकालने वाला हूं। एंड सबसे बड़ी चीज, अब गाइस घीवे कहां से निकलेंगे उस चीज के बारे में बात कर दूं, पहले तो गाइस यहां पे इस वीडियो को लाइक कर देना है एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, तभी आपको रॉयल पास मिलेगा। और गाइस जहां तक मेरे को लगता है कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि आपका प्यार ही इतना है, ठीक है। बट गाइस यहां पे मेन चीज पे आते हैं कि कल के दिन अपन माफिया गेमिंग के चैनल से जो फर्स्ट वीडियो उनकी लेटेस्ट वीडियो है उनसे कमेंट उठाने वाले हैं एंड उन्हीं से अपन गिव अवे का रिजल्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनके लेटेस्ट वीडियो पे जाना है एंड कमेंट कर देना है लव फ्रॉम टेक टू लेटेस्ट एंड उसी के साथ अपनी BGMI कैरेक्टर ID लिख देना है एंड उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस वो आने वाले दिनों में, मतलब भाई कल से ही आई थिंक वो 10 RP का गिव अवे वो भी निकाल देंगे, ठीक है। सो गाइस जाओ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कल से अपन गिव अवे निकाल देंगे उनके कमेंट से, ठीक है। लेटेस्ट वीडियो पे सिर्फ कमेंट करना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो ये चीज कर देना है, ठीक है। ओके सो गाइस अपन फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं न्यू कैरेक्टर इमिलिया के बारे में। गाइस बहुत ही ज्यादा जल्द अपन के BGMI एंड PUBG मोबाइल में आ रही है, ठीक है, सेम डेट पे रिलीज होने वाली है। अब सीधा सा मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ऑफिशियल ने इस चीज को टीज करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पहले तो यहां पे आप देख सकते हो ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर पे, मतलब कहां गया है कि न्यू कैरेक्टर कमिंग सून। सो एंड जूम करते हैं, यहां पे आप देख सकते हो इमिलिया अपन को साफ क्लियर दिख रही है कि इसमें इमिलिया ही आने वाली है, ठीक है। सो ये चीज का प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस ये चीज तभी करते हैं जब वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है एंड जैसे कि मैंने आपको कल के दिन अपडेट दे दिया था कि मतलब एक पीपी पबजी प्लेयर्स करके पेज है जिन्होंने अपडेट दिया था कि अपन की इमिलिया मतलब इसी हफ्ते में आने वाले, ठीक है। एंड उसी के साथ गाइस 1200 कैरेक्टर वाउचर का इवेंट आ सकता है, जिसके बहुत बहुत चांस है एंड आने ही वाला है, ठीक है। अगर 1200 का नहीं आता तो 600 का तो आने ही वाला है, क्योंकि इसकी कॉस्ट 600 रहेगी। बट गाइस कल के दिन जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मोस्टली चांस है कि 1200 कैरेक्टर वाउचर का इवेंट अपन को इसके साथ देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट के बारे में। ये वाली प्रीमियम क्रेट 10-11 दिन के बाद खत्म हो जाएगी एंड जैसे ही खत्म होती है उसके बाद BGMI की नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट आने वाली है, जो रहने वाली है 2.0 की सेकंड प्रीमियम क्रेट, ठीक है। अब गाइस जिसके सारे टेक्सचर बाहर निकल के आ चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आप देख सकते हो ये लेजेंडरी सेट आने वाला है, जो कि भाई ठीक है, ठीक है, पैसा वसूल है लेजेंडरी के हिसाब से। बाकी देख सकते हो स्टेप कुछ रहने वाला है इसका हेडगियर भी। एंड उसी के अलावा गाइस ये वाला सेट मेरे को काफी ज्यादा सही लगा, यहां पे आप देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा सही है एंड मिथिक सेट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा पट्टियों में क्लोथ फिट देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ गाइस ये चीज देखो भाई बहुत ज्यादा सही है M24 की स्किन। एंड उसी के साथ ये चीज देखो भाई Kar98 की गोल्डन कलर की स्किन एक नंबर है सच में। एंड उसी के साथ बैकपैक, ओ भाई सच में गाइस ये इसका फर्स्ट लेवल देखो पहले, ओ भाई। एंड उसी के साथ ये देखो सेकंड लेवल भाई, मतलब एक नंबर है। एंड थर्ड लेवल देखो कितना छोटा है एंड ताला लगा हुआ है, मतलब भाई बहुत ज़्यादा सही है। एंड उसी के साथ ऑर्नामेंट भी आप देख सकते हो एंड यूजी का स्किन देखो जो कि घटिया लगा मेरे को। या बाकी ये स्टील वाला सेट आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकती हो। एंड उसके अलावा गाइज यहाँ पे नेक्स्ट प्रीमियम ग्रेड के अंदर मैं बात करूँ तो ये दूसरा मिथिक सेट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब गाइज जो ND वाला सेट है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर जहाँ तक है, इसके साथ क्लोव सिगरेट आने वाला है। एंड उसी के साथ यहाँ पे देखो ये जो अपन का फेरो के टाइम पे आया था ये मिथिक सेट, वो फिर से आ रहा है।
भाई बहुत ज़्यादा सही रहने वाले हैं ये सारे मिथिक, ठीक है। तीन मिथिक आने वाले हैं जो कि तीनों के तीनों सही रहने वाले हैं। अब गाइस यहाँ पे दूसरी चीज़ें आप देख सकते हो जो कि इपिक में रहने वाली है, जो अपन को मिल नहीं वाली है, एंड कुछ चीज़ें तो डिसमेंटल होने वाली है। एंड गाइस जैसे ही ये सेकंड वाला प्रीमियम क्रेट खत्म होगा, उसके बाद 2.0 में लास्ट प्रीमियम क्रेट यानी कि थर्ड प्रीमियम क्रेट आएगा, जिसके भी सारे रिवॉर्ड बाहर निकल के आ चुके हैं, अब आपकी आंखों के सामने है। अब गाइस यहाँ पे देखो ये वाला सेट आने वाला है जो कि मेरे को घटिया लगा, एंड उसी के साथ ये भी इतना सही नहीं है, ये भी बहुत ही ज्यादा घटिया कार्टूनिस्ट टाइप का कलरफुल, ऐसी चीजें सही नहीं लगती यार। बाकी यूजी का स्किन ठीक है, रेड कलर का है। बाकी गाइस पैराशूट मेरे को एक नंबर लगा, बहुत सही है यार, मतलब अलग कुछ यूनिक तो किया है। पैराशूट को 10/10 की रेटिंग देना चाहूंगा क्योंकि यार बहुत ज्यादा यूनिक किया गया है। एंड उसके अलावा गाइस यहाँ पे देखो ये मिथिक सेट फाइनली आ रहा है, एंड मिथिक सेट काफी ज्यादा सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सही है, एंड मोस्टली लोगों के पास ये होगा जो पुराने टाइम से मतलब खेल रहे हैं। एंड बाकी गाइस ग्रीन कलर की चीज़ें फिर से आ रही है, ये तीन स्मोक बैकपैक एंड पेन वाली, अगर आपके पास नहीं है तो गाइस ट्राई मिलेगी निकालने की फ्री में। बाकी बैकपैक आप देख सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, डरावना है, एंड इसका हेडगियर भी फाइनल रिवील किया गया है। एंड उसी के अलावा गाइज ये सिंपल सा मिथिक सेट रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी क्लोथ वेट नहीं है। बट गाइज यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं, इसका इमोट भाई एक नंबर रहने वाला है, मतलब नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। एंड उसके अलावा सारी दूसरी चीजें देख सकते हो जो इपिक आइटम में डली होगी, ठीक है। अब गाइज ये वाला थर्ड प्रीमियम क्रेड रहने वाला है जो अपन के BGMI के अंदर आ जाएगा, मतलब इसी अपडेट में, ठीक है। ओके सो गाइज फाइनली बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लासिक क्रेड के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला क्लासिक क्रेड 26 दिन के अंदर खत्म होने वाला है, ठीक है। अब गाइस यहां पे आपको एक चीज बताऊं, अब एक ही क्लासिक क्रेट आने वाला है 2.0 अपडेट में, जिसके लीक्स आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। अब गाइस पहले तो मैं इस क्लासिक क्रेट के मिथिक सेट अभी तक 3D वाइज लुक में बाहर नहीं निकल के आ चुके हैं। अब गाइस यहां पे आप देख सकते हो इसके कुछ फोटो बाहर निकल के आ चुके हैं जो कि दो मिथिक आने वाले हैं इस क्लासिक क्रेट के अंदर। एंड उसी के अलावा गाइस यहां पे आप देख सकते हो उसी क्लासिक क्रेट जो सेकंड वाला रहने वाला, उसमें ये वाला सेट आने वाला है, हेलमेट आप देख सकते हो पहले तो, उसके बाद ये सेट देखो जो कि गाइस रिपीटेबल आइटम है एंड लेजेंडरी में आने वाली है, जो गारंटेड आइटम सकती है। अब गाइस यहाँ पे देखो ये चीज़ जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, उतनी ज़्यादा सही भी नहीं है जो क्लासिक के अंदर डाली गई है, ठीक है। बट गाइस इसकी जो बहुत ही सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब अभी तक रिवील ही नहीं गई है, ठीक है। बैकपैक वगैरह आप देख सकती हो, अब AWM स्कारल M16 देख सकती हो जो कि एपिक में डली रहेगी, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके जो मेन सेट है वो 3D वाइज लुक बाहर नहीं निकल के हैं, एंड कुछ लेजेंडरी चीज़ें जो 3-4 आएगी वो तो अभी आई ही नहीं है, ठीक है। बाकी इसके टेक्सचर आते हैं मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अब गाइस फाइनली बात कर लेते हैं M4 ग्लेशियर के बारे में। पहले तो ये चीज सुन लो, जो भी अपन की अपग्रेडेबल गन स्किन होती है वो 100% की बात है कि रिपीट होती ही है। अब गाइस इस चीज को यहां पे मैंने क्लियर कर दिया कि गाइस BGMI के अंदर M4 ग्लेशियर आने वाली है, ये चीज 100% कंफर्म है, ठीक है। अब गाइस पहले तो ये चीज क्लियर कर दो कि M4 ग्लेशियर अपन के BGMI के अंदर आने वाली है, ये चीज 100% कंफर्म है, ठीक है। ये चीज पहले मतलब दिमाग में बिठा लो, ठीक है, ये सच ही है। अब सबसे बड़ी चीज की क्या मतलब, ये अपन को क्लासिक क्रेड के अंदर फ्री में देखने को मिल जाएगी क्रेट ओपनिंग के थ्रू, या फिर UC वाले क्रेट में आएगी जैसे कि M4 फुल आया, ठीक है। अब गाइस यहां पे आप देखो PUBG मोबाइल के अंदर अपन की M4 ग्लेशियर अवेलेबल है, जो कि क्लासिक क्रेट फ्री से मतलब खोल सकते हैं अपन के पास क्लासिक क्रेट होते हैं तो। बट गाइस अगर वो BGMI के अंदर M4 ग्लेशियर को भाई यूसी वाले क्रेट के अंदर डालते हैं, अब गाइस एक चीज सोचो मतलब कितना ज्यादा हेड मिलेगा, मतलब भाई सीधा सा अन्याय है। यहां पे देखो PUBG मोबाइल के अंदर भाई फ्री में वो चीज मिल रही है, एंड वही चीज गाइस BGMI के अंदर गाइस यूसी के अंदर मिल रही है, मतलब ये चीज तो सही नहीं लगेगी, सीधा सा हेड मिलने वाला है, ठीक है। एंड गाइस अगर ऐसा करते हैं तो गाइस मतलब ये हमसे खेल रहे हैं ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि M4 हमारी एक मतलब भाई सबसे प्यारी गन है, एंड अगर वो यूसी के अंदर डालते हैं अब गाइस वो तो बहुत ही गलत चीज कहलाएगी। एंड गाइस अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको गाइस सामने ऐसा भी रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। सो शायद गाइस जहां तक मेरे को लगता है कि यही चीज सोच के BGMI वाले M4 ग्लेशियर को बहुत ही कम चांस है कि यूसी वाले क्रेट में डालेंगे, ठीक है। जहां तक लगता है कि अगर वो रिटर्न करेंगे तो अपन को क्लासिक के अंदर हिंट डालेंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं कि M4 ग्लेशियर आएगी तो कब आएगी। अब मेरे भाई लोग यहां पे कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, अभी तक रूमर चल रहा है, जो मैं आपको बता देता हूं 2 जुलाई को BGMI का मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी है, एंड सभी लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट एनिवर्सरी पे अपन की ग्लेशियर एड हो सकती है, ठीक है। बाकी तो गाइस यही कुछ अपडेट निकल के आया था, अगर एनिवर्सरी के टाइम पे आ जाती है तो बहुत ही ज्यादा सही है। एंड इसके रिलेटेड कोई भी ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली अपडेट निकलता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी तो गाइस कल मिलते हैं RP गिव एंड निकालने, ठीक है। एंड गाइस मतलब सारे रूल्स को फॉलो कर देना है, ठीक है। बाकी तो गाइस वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।